चिंता ऐसी ढाकनी काट खले जा खाए, वेड बेचारा क्या करे। कबीर दास जी इस दोहे में कहना चाहते हैं कि चिंता एक डाकिनी के जैसी होती है, अर्थात वो आप जितना उसके बारे में, किसी एक चीज़ के बारे में चिंता करेंगे, वो आप ही को पलटवार करके आप ही का नुकसान करेगी। और अगर चिंता आप किसी वैद्य के पास भी लेके जाएंगे, यानी कि डॉक्टर के पास भी, तो साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और समथिंग, कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो आपकी मानसिक स्थिति नहीं ठीक कर सकता। वो बस आपको समझा सकता है कि आप ऐसे ऐसा सोचिए, ऐसा कीजिए, ठीक है। तो बेसिकली आपकी चिंता को सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं, ठीक है। कोई डॉक्टर आके उस पर मरहम नहीं लगा सकता। कबीर दास जी इन दिस कपलेट नरेट्स दैट वरी इज इक्विवेलेंट टू अ विच। नाउ इफ यू वरी अपॉन समथिंग, इट विल जस्ट ईट योर ब्रेन लाइक एनीथिंग। नाउ सी, अ डॉक्टर और अ साइकेट्रिस्ट कैनॉट ट्रीट योर वरी, ओके। इट इज़ यू हु हैज़ टू अंडरस्टैंड एंड जस्ट थिंक अबाउट समथिंग एल्स टू जस्ट overcome that worry feeling. Am I right? So there is no such medicine in this world except your positivity which can cut worry out. Okay, so stay happy, stay safe, and thank you.